इसमें मैदा वैदा यूज करते हैं या पूरा आटे का? पूरा। अरे यार बहुत सही, ये हो गया पराठा रेडी। अंदर से फीलिंग देख लो, ये देखिए साथ में बढ़िया पराठा था, मस्त एकदम, मजा आ गया खा के। ये देखो हम लोग पहुंच गए हैं जू बीच पे, और ये देखो काफी कुछ है जू बीच पे। हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, मैं आकाश और वेलकम बैक टू आकाश प्री व्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं जा रहा हूँ अंधेरी, और जिसने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जरूर जाके देखना यार, बहुत ज्यादा मजा है। हम लोग चोर बाजार गए थे मुंबई का, चोर बाजार एक्सप्लोर करने, तो मैं उसकी लिंक जरूर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अभी हम लोग जा रहे हैं अंधेरी कुछ काम से, तो हमारा काम अगर जल्दी हो जाएगा तो हम लोग जाएंगे जू बीच वगैरह भी एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे। अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ, ये देख सकते हो आप लोग, और अभी हम लोग चलते हैं अंधेरी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नेरुल, और देख लो कैसे दिखाऊं, ये देखो यहाँ पर रेड है। गाड़ी में सीएनजी नहीं है, तो अभी चल के पहले गाड़ी में सीएनजी वगैरह भर लेते हैं। और काफी तेज नींद आ रही थी, कम नींद मिली इसलिए रेडबुल ले लिया हमने, और अभी चलते हैं फटाफट जाके सीएनजी भराते फिर निकलते हैं यहाँ से। देखो कितनी लाइन है यहाँ पे, और वो देखो वहाँ पे खड़ी है कैमरी, 35-40 लाख की गाड़ी है यार, और उसमें सीएनजी फिट कराया हुआ है। ये अपना एक था, और ये देखो पता नहीं किसने गाड़ी में स्क्रैच लगा दिया, सीएनजी भर रही है। और अभी मुंबई में फिलहाल रेट चल रहा है 80 रुपीज़, 86 था, अभी कम हो गया। पेटीएम करना है? हाँ पेटीएम, हाँ पेटीएम कर दूंगा, भर दो पूरा भर दो उसको। गाइस ये देखो हम लोग बीकेसी में पहुंच चुके हैं, और यहीं पे आके मेरी ड्रीम कार मिलती है मुझे कभी भी, ये देखो G63। लास्ट टाइम भी हम लोग यहीं पे, हमें वाइट कलर की G63 मिली थी, देखो अभी मैट ब्लैक कलर की है। उसके मिरर में भी सेंसर्स लगे हुए हैं। ओ कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गुलाब है, थैंक यू, नहीं नहीं थैंक यू दोस्त, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, होता तो ले लेता यार, थैंक यू भाई। यार कब से खड़ा है वो, और अभी क्या बोलूं, किसके लिए लूं मैं गुलाब, तो उसे वही बोल दिया, बोला दोस्त गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, होती तो ले लेता। और ये देखो करीब करीब हम लोग पहुंच ही गए अंधेरी, और वो देखो क्या लिखा है, पुड़चा स्टेशन अंधेरी। 4 hours later। तो गाइस जो काम था हमारा अंधेरी में वो हो गया है, और काफी टाइम लग गया है इसमें, मेरे हिसाब से अभी टाइम हो गया है 8:30 बज गए। और ये देखो यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी थी, तो अभी चलते हैं यहाँ से, एक सेकंड। हाँ बहुत टाइम लग गया है यहाँ पे, और बहुत तगड़ी वाली भूख भी लगी है। तो फिर अभी फिलहाल मैं हूँ अंधेरी में 4 बंगलोज के पास, और मैंने यहाँ पे एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जिसमें स्ट्रीट पे है पराठे वाला, और देखा था उसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया पराठे वो बनाता है, तो उसका लोकेशन भी 4 बंगलोज के पास ही था। तो अभी हम लोग चल के देखते हैं कि अगर करीब में हुआ तो चल के वो वाला ट्राई करेंगे। तो अभी यहाँ से फिलहाल निकलते, बाहर बिल्कुल भी पार्किंग करने के लिए जगह नहीं थी, तो हमने यहाँ पे लगा दी अपनी गाड़ी, और यहाँ पर है 30 रुपीज़ पर आवर, और ये है 4 बंगलो, और हम कोशिश करेंगे अंदर से जाने की। एक्चुअली अंदर सारा लेडीज़ों का सामान वामान मिलता है, तो फिर मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा वीडियो बनाने के लिए, तो फिर भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो जो लड़कियाँ मेरी वीडियो देख रही हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सस्ते कपड़े वपड़े मिलते हैं। तू मेरे को बता सकता है? एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं लग रहा क्योंकि लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं यहाँ पे, और लड़कियों के पर्सनल सामान वामान सब वो सब मिलता है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बनाने के लिए।
तो बाहर निकल जाते हैं और यहीं पर स्ट्रीट में पराठे वाला। अंदर मार्केट से वीडियो बनाने के लिए अजीब लग रहा था क्योंकि सारा लड़कियों का ही सामान मिलता और बहुत सारी लड़कियां, और अजीब ही लग रहा था। मैं मिल गया पराठे वाला भैया, ये देखो अडानी के सामने ही है K1 पराठा सेंटर, और काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, ऑलिव ऑयल है, घी है, काफ़ी सारी सॉसेज भी है, सेजवान है, अमूल है। ये रहा मेन्यू K1 पराठे का, और अभी हम लोग ने ऑर्डर किया है, देखो चीज़ कॉर्न कैप्सिकम किया हुआ है देसी घी वाला, तो फिलिंग की तैयारी हो रही है, आपको दिखाएंगे। तो ऐसे हो रहा है अपना चीज़ कॉर्न कैप्सिकम रेडी, और ये अंदर की फिलिंग रेडी कर रहे हैं, का फिलिंग रेडी हो रहा है, स्पाइसेस वगैरह सब ऐड हो रहे हैं, और काफ़ी नीट एंड क्लीन इनका काउंटर है। ये हो गई फिलिंग रेडी, पेड़ा रेडी हो रहा है। शाम का टाइम है, थोड़ा सा क्राउड ज़्यादा है, और ये देखो बहुत ही बड़ा वाला पेड़ा रेडी हो गया, वो तो फुल फिलिंग विलिंग डाल के एकदम। ये देखो अरे वो बहुत ही बड़ा पराठा बन गया यार ये तो। इसमें मैदा वैदा यूज करते हैं या पूरा आटे का? पूरा। अरे यार बहुत सही, और सारा अमूल बटर ही यूज किया और गोवर्धन घी है, अमूल चीज, अमूल बटर, और सैनिटाइजर वगैरह भी रखा है। अपना पराठा सीख रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम लेगा वो। ये लग रहा है बटर दबा के, और ये मेथी का पराठा रेडी हो रहा है। भाई साहब बहुत तगड़ा पराठा दिख रहा है, बहुत बड़ा है साइज में। ये देखो फिर से बटर लगेगा, अमूल बटर। ये हो गया पराठा रेडी, और ये आ रहा है एक नंबर। ये क्या भैया? ये चटनी है, पीनट गार्लिक हरी मिर्च। ओके, पीनट गार्लिक हरी मिर्च चटनी, वाओ। ये देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देख के, और एकदम गर्मा गर्म है, और काफ़ी मोटा पराठा है, और ये चटनी है, दही है, और ये देखो कितना सारा बटर है पराठे में, देख के मुँह में पानी आ रहा है। टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया है। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्म है, पराठे के साथ में अचार भी आ गया, दही है, चटनी है, अचार है। अंदर से फिलिंग देख लो चीज़ और कौन की, धुआं निकल रहा है मजबूत वाला। और बहुत ही टेस्टी वाले चीज़ कौन पराठे, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये दही के साथ में, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इसका, और चटनी है, पर दही के साथ पराठा खाने का मज़ा ही अलग है।
बहुत सारा दही गर्मा गर्म। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दही लगा के बहुत सारा। एक नंबर एक ही पराठे से इतना पेट भर गया। मन तो हो रहा है काफ़ी सारे दूसरे भी ट्राई करूं पर हिम्मत नहीं है। एक पराठा इतना बड़ा था इतना खा के भी बचा हुआ। काफ़ी बढ़िया पराठा था भैया। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा है और अजय भाई। ओके भाई, बहुत बहुत टेस्टी पराठा था। थैंक यू। चलो अरे नहीं नहीं चलो थैंक यू बाय बाय। चलो बाय बाय। बढ़िया पराठा था, मस्त एकदम, मज़ा आ गया खा के। तो हम लोग पहुँच गए गाड़ी के पास। भाई बहुत मजबूत वाला पेट भर गया और बहुत मज़ा आ गया। भैया बार बार सॉरी बोल रहे थे कि सही से टाइम नहीं दे पाया क्योंकि सैटरडे संडे को ज़्यादा रश होता है वहाँ पे, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम पंजाब से हैं तो हमने तो बचपन से ही पराठे खाए, तो हमसे ज़्यादा किसको पराठों के बारे में अच्छे से पता हो सकता है। तो भाई बहुत टेस्टी पराठा था और मैंने एक भाई का वीडियो देखा था तभी जाके मुझे पता चला मुंबई का बिगेस्ट आलू पराठा, और भाई की वीडियो पे व्यूज़ है 24 मिलियन। तो मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे बस 1 लाख व्यूज़ भी आ गए तो भी चलेगा, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी था सही में, बहुत अच्छा लगा मुझे खा के। और अभी हम लोग चलते हैं, आओगे पराठा खाने? तो अगर करीब ही है तो सैटरडे संडे भी आ सकते हो। अगर दूर से आ रहे हो तो भाई सैटरडे संडे अवॉइड करना, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी होता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं जू की तरफ। पराठा खा के प्यास लगी है मस्त वाली। और ये देखो एकदम भाई ने सेटिंग करके झाड़ के अंदर लगाया गन्ने का जूस, तो अभी मस्त वाला गन्ने का जूस पीते और निकल। ये आ गया अपना गन्ने का जूस। मन तो लस्सी पीने का कर रहा था पर यहाँ पे करीब में गन्ने का जूस था, डेयरी कोई दिखी नहीं तो गन्ने का जूस पी लिया। और यहाँ से करीब ही है जू बीच, मेरे हिसाब से 4-5 मिनट लगेंगे हमें जू बीच पहुँचने के लिए। हम लोग पहुँच गए जू बीच के पास और ये देखो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और ये रहा जू बीच। देखो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर लगा दी हमने गाड़ी रिस्क लेके, पता नहीं पुलिस वाला आके फ़ोटो वोटो ना खींच ले। वैसे तो नो पार्किंग है, सबकी गाड़ियाँ इस तरफ ही लगी है, अब देखा जाएगा जो भी है। तो अभी चल के जू बीच देखते हैं कि कैसा माहौल है, काफ़ी दिन बाद आ रहे हैं हम लोग। पहुँच गए हैं जू बीच पे, ये देख लो रात के 10 बजे और पब्लिक देखो कितनी ज़्यादा पब्लिक हो रही है। अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकेंगे हम लोग और फिर निकल पड़ेंगे घर पे, काफ़ी टाइम हो गया सुबह से निकले हुए हम लोग घर से। तो गाइस ये देखो कॉटन कैंडी, क्या बोलते बुड्ढी के बाल, ये देखो बुड्ढी के बाल। ये देखो ये लिया हमने कॉटन कैंडी, बहुत बड़ी है कॉटन कैंडी। बुड्ढी का बाल। हाय बोलो, हाय गाइस, बोल हाय गाइस। जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। ये देखो आमले नहीं है हमने छोटे छोटे, और ये देखो काफ़ी कुछ है जू बीच पे। तो गाइस अभी मैं गाड़ी में आ गया और अभी हम निकलते हैं घर की ओर, काफ़ी टाइम हो गया है तो अभी हमें चलना चाहिए। और आंवले वावले कहाँ रखूँ यार, गिर जाएंगे ये। एक काम करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा दिए तो चलो अभी हम लोग निकलते हैं। पहुँच चुके हैं डीवाई पाटिल के पास नेरुल में और अभी यहीं पे करीबी सीएनजी का पंप है, वहाँ से सीएनजी भरवा लेते हैं।
तो ये भर रही है अपनी गाड़ी के सीएनजी, और ये देखो गाड़ी का कलर। अभी फटाफट सीएनजी भर के और फिर चलते हैं घर पे भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 12 बजने वाले, 12 बजने में रश हो रहा है। और कैसे हो बाकी? सीएनजी भराने आ जाओ। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और जो पराठे की शॉप है उसका एड्रेस मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।